ये कलयुग है, कलयुग क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। और साथ ही जाने कैसे देखी इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है।
कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की अधिकारी हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है।
बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन दुर्वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाड़े की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उघाने मिलेंगे,
मगर वो नहीं जानता कि वहाँ आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहाँ उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहाँ उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहाँ के जाने माने डॉन धुरवा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन दुर्वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है।
अनाथ सिम्बा उप संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर
एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणबीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तब्दाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनारे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंहबोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द 12 है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है।
अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल, लुक, संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है।
ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है।
रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा। उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उघाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुड़वा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुड़वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की अधिकारी हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है।
मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुड़वा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुड़वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द
ट्वेल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तब्दाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंहबोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी, बस उसी के बाद
कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकेंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते,
संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है।
ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा।
फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तब्दाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनारे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलियों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की अधिकारी हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है, डांस
एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणबीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाज सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप
20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंहबोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द 12 है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की अधिकारी हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल, लुक, संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है।
धुड़वा ननाड़े की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणबीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा खिरखिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उघाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुड़वा ननाड़े से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुड़वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं।
एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणबीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुड़वा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुड़वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी
अपने ट्रैक से फिसलकर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चूली पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। ध्रुवा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उघाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन ध्रुवा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन ध्रुवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंहबोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगो की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा,
ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्वेल्व है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की अधिकारी हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावड़े जैसा साथी मिलता है, जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुड़वा रनाडे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुड़वा को दो बदमाश भाई सिम्बा की
मुंह बोली बहन कृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्वेल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है,
जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यह उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलियों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में डीसीपी वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धासु अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है।
नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का ना केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ना केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल, लुक, संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जावाज गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणबीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे,
मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजिडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाहने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंह बोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंह बोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरबा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में।
एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणबीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है जिसपे ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तब्दाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उघाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष ताबरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरवा रनारे से होता है जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरवा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंहबोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है, मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमेक्स दमदार है जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है, मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुरवा रनारे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसे हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आँख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं।
मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। जाने रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा की कहानी, और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। एक मनोरंजक मसाला फिल्म को किस चीज की दरकार होती है? डांस, एक्शन, कॉमेडी, कैची वन लाइनर्स, रोमांस और एक जवाब गुड लुकिंग हीरो को, जो वक्त पड़ने पर एक साथ 20-50 लोगों को धूल चटा सके। रणवीर सिंह की सिम्बा भी टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल की मसाला मूवी है, जिसमें ये सारे तत्व मौजूद है। फिल्म को अगर आप मनोरंजन के लिए देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, मगर यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की कहानी तो वही पुरानी है कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर में तब्दील होकर अपने पुराने पाप धोना चाहता है। अनाथ सिम्बा उर्फ संग्राम भालेराव ने बचपन में ही सीख लिया था कि पैसे कमाने के लिए पावर की जरूरत होती है, और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का रास्ता चुनता है। नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर वो एक ऐसी पुलिस वाला बन जाता है जो बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से करता है। ड्यूटी निभाते हुए उसका एक ही एजेंडा होता है कि वो जायज नाजायज तरीके से पैसे हासिल कर सके। इसी बीच उसका तबदाला गोबा में कर दिया जाता है। सिम्बा खुश है कि उसे इस पोस्टिंग पर खूब पैसे उगाने मिलेंगे, मगर वो नहीं जानता कि वहां आकर उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है। यहां उसे उसकी जिंदगी का प्यार सगुन मिलती है, जो सिम्बा की तरह अनाथ है और कैटरिंग का काम करती है। यहां उसे आकृति जैसी मुंहबोले बहन, खुददार ईमानदार हेड कांस्टेबल मोहिते, संतोष तावरे जैसा साथी मिलता है जो उसे परिवार के होने का एहसास करवाता है। इसी के साथ उसका सामना वहां के जाने माने डॉन धुरबा रनारे से होता है, जो है तो एक फैमिली मैन मगर सभी तरह के अवैध धंधे करता है। बहरहाल सिम्बा को उससे कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो सिम्बा का मुंह पैसे से बंद कर देता है। फिर एक दिन धुरबा को दो बदमाश भाई सिम्बा की मुंहबोली बहन आकृति का न केवल निर्ममता से बलात्कार करते हैं, बल्कि उसे जान से मार देते हैं। आकृति उनकी कलीगों की गवाह जो बन चुकी थी। बस उसी के बाद कोराप्ट पुलिस सिम्बा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो न केवल आकृति के हथियारों को सजा दिलाने का फैसला करता है, बल्कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खाता है। कहानी में DCP वजीराव सिंघम की नाटकीय एंट्री जैसे कोई टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं। क्या सिम्बा बदला ले पाएगा और क्या वो सच्चाई की राह पर अपना पाएगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रोहित शेट्टी की ये फिल्म यू तो सिंघम की स्पिन ऑफ द ट्विल है, मगर हम आपको बता दें कि ये तेलुगु फिल्म टेम्पर की आधिकारिक हिंदी रिमेक है। रोहित ने उसे मसालादार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रोलर कोस्टर राइड की तरह मालूम होता है, जहां कॉमेडी का तगड़ा डोज है। लार्जर देन लाइफ अंदाज में रणवीर की एंट्री है, मगर सेकंड हाफ में कुछ समय के लिए कहानी अपने ट्रैक से फिसल कर बलात्कार के ट्रैक पर आ जाती है, जिसे निर्भया की केस से जोड़कर रोहित ने मेलोड्रामेटिक और प्रीची बना दिया है। मगर फिर अजय देवगन अपनी धांसू अंदाज में आकर फिल्म को फिर ट्रैक पर ले आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दृश्य रोहित शेट्टी की खासियत होती है, जो जहां भी फिल्म को मजबूती प्रदान करते हैं। फरहाद सामजी के वन लाइनर्स पूरे फिल्म में चुलित पैन और बनाए रखते हैं। एक्शन दृश्य और रोहित फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार है, जो अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री के बाद सिम्बा के सीक्वल का साफ संकेत देता है। रणवीर सिंह को फिल्म की जान कहे तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सिम्बा मराठी एक्सेंट वाले फनी अंदाज में जिया है। उनकी चाल ढाल लुक संवाद अदा होगी, और एक्शन का अंदाज दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। सारा अली खान रणवीर के साथ खूब जमी है,
मगर उन्हें पर्दे पर ज्यादा समय दिखने को मौका नहीं मिला है। धुड़वा रनाडे की भूमिका को सोनू सूद ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। उस जैसा पावरफुल विलेन रणबीर जैसी हीरो को खूब टक्कर देता नजर आया है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आशुतोष राणा ने यादगार परफॉर्मेंस दी है। ठीक उसी तरह सिद्धार्थ यादव ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया है। सहयोगी कास्ट भी शानदार है। फिल्म के दो गाने आंख मारे तेरे बिन और आला रे आला गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं। मिर्ची टॉप 20 सॉन्ग्स में आंख मारे नंबर 4 पर है, तेरे बिन नंबर 10 पर है। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।